हरियाणा विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आज नामांकन का आखिरी दिन है। पहले इस लोकसभा क्षेत्र के 5 नामांकन भरे जा चुके थे, आज 4 भरे जा रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा में 27 और नामांकन भरने के बाद पूरे 90 नामांकन हो जाएंगे। मित्रों, जैसा आपने को पता है कि आज नामांकन का आखिरी दिन है और इस लोकसभा क्षेत्र के हमारे 5 नामांकन पहले भरे जा चुके थे, अब 4 और आज भरे जा रहे हैं, जिसमें अभी मैं प्रातःकाल पहले नीलूखेड़ी गया था, अब यहाँ आसंद आया हूँ और साथ ही साथ हमारे इस्मालका और पानीपत ग्रामीण, वो दोनों भी अब भरे जा रहे हैं। तो सभी 9 के 9 यहाँ हो रहे हैं और हरियाणा भर में भी आज 27 नॉमिनेशन और भरने के बाद पूरे 90 के 90 नॉमिनेशन हो जाएंगे। कांग्रेस ने भी अपनी टिकटें जारी कर दी हैं आज लास्ट दिन रात को भी। बोलो, आखिर तो करनी थी, लेकिन विषय तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपनी पूरी की पूरी लिस्टें जारी की और बड़ी लिस्टें उनके एक दिन पहले जारी की जा रही हैं। बड़े हैरानी का विषय है, या तो उनको अपने आप पर विश्वास नहीं है या अपने कैंडिडेट्स पर विश्वास नहीं है और कहीं ना कहीं उनको डर यह भी है कि जो लोग बाकी बचेंगे वो क्या करेंगे, इसलिए उन्होंने उस विषय में से अपना रास्ता कोई निकाला होगा। लेकिन उनके कैंडिडेट क्या करेंगे, या तो कैंडिडेट भरते तो भरते, नहीं तो अब जो है उनका दौर जो शुरू होगा वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। सर, आप द्वारा बिना खर्ची पर्ची की जो नौकरियां युवाओं को दी गई है हरियाणा के अंदर, लगता है आपको विधानसभा चुनाव में बहुत अहम रहेंगी वो सारी? मैं कहता हूं, जैसा मेरा लोकसभा के अंदर पूरा दौरा हुआ, इसी लोकसभा में लगभग 400 गांव में मेरा जाना हुआ, एक ही विषय सब लोग जो है उसका जो बखान करते थे कि हरियाणा ने पहली बार इस प्रकार अनुभव किया है कि बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पर्ची और खर्ची के, और हर गांव में कहीं 20, 40, 50, 60, 100 नौकरियां भी मिली हैं और इससे गांव के लोग बहुत ही आनंदित भी हैं और आकर्षित भी हैं कि ये हरियाणा में देखने को भी मिल नहीं सकता था। और हरियाणा तो कांग्रेस के टाइम के ऊपर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का घर बना हुआ था, यहाँ पर चाहे बदलियाँ हों, चाहे नौकरियाँ हों, चाहे CLEOs हों, चाहे छोटे छोटे लोगों से छोटे दुकानदार हैं, आड़ती हैं, कई मंथलियाँ बंधी हुई हैं, कई हफ्ते बंधे हुए हैं। आज तो लोग हफ्ते और मंथली का शब्द सुनना ही भूल गए हैं कि कोई मंथली और हफ्ते, ये नए लोगों को तो पता ही नहीं है, वरना जो उस समय चलता था उन्होंने अपने एजेंट छोड़े हुए थे और वो जो एजेंट थे जिनको मैं धौल कपड़िया कहता हूँ, हमने 10 साल में उन धौल कपड़ियों के कपड़े उतरवा के खुट्टी पटकवा दिए और वही बेरोजगार होकर बैठ गए, जिसमें से उनको बार बार ये शोर मचाते हैं कि बेरोजगारी तो उनके जो एजेंट हैं उनकी हो गई है और वही शोर मचाते हैं। इसलिए आज हरियाणा में मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हमारे नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है।